है कि मतलब कोई अगर आपका सजेशन देने वाला होता कि ये ऐसा करो ऐसा करो तो अच्छा आगा तो अच्छा होता मेरे लिए, लेकिन कोई भी है बोलता ही रहेगा। कोई भी यूट्यूबर से मेरा जान पहचान नहीं है कि मैं है गाइस। तो अभी शाम हो चुकी है और हम लोग आए हैं मार्केट पर, क्योंकि हमारा घर का पूरा राशन खत्म हो गया है। सब्जी बोलो, कुछ बोलो, चावल बोलो, हम चारों ही आई है, मैं, काकी, अंकी और भाई। एक्चुअली बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने उस वक्त बात भी किया था, लेकिन गाड़ी की शोर शराबा की वजह से ना मेरी आवाज़ अच्छे से प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रहा था। तो एक्चुअली देखो, हम लोग इधर सब्जी मंडी में, सब्जी मार्केट में पहुँच के इतना से बड़ा बड़ा पम्पकिन है, आलू है, नींबू है, प्याज है, और इधर सूखी मछली, और इधर देखो बतख के अंडा। क्या आप लोगों ने इससे पहले बतख का अंडा देखा था? कमेंट करके बताओ मेरे को। वैसे ना बतख का अंडा कोई कोई ग्रीन ग्रीन भी होता है। और इधर मार्केटिंग आंटी कर रही थी और मेरे को इतना पसीना आ रहा था, इतना गर्मी था, क्या बोलूँ मैं। और इधर देखो केले का फूल, इसको सब्जी भी खाया जाता है, तो इधर बेच रहा है केले का फूल। तो इधर आंटी प्याज ले रही थी, प्याज तोल रहा है, 2 किलो 1 किलो लिया या 2 किलो लिया मैं भूल गई। तो इधर प्याज लेने के बाद हम लोग अभी चले जाएंगे आमखोरा लेने के लिए, क्योंकि आमखोरा चटनी खाने में इतना अच्छा लगता है ना, तो इधर आके का आमखोरा लेना होगा, यही हमारा लास्ट खरीदारी है। सो गाइस, नेक्स्ट डे, वेलकम टू माय चैनल। कल शाम हम लोग मार्केट गए थे और मार्केट का कुछ मैंने ब्लॉग किया, वीडियो किया, उसके बाद मैं भूल गई, आकर खाना बनाकर खाया, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई किया, लेकिन वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि मैं मोबाइल से पढ़ाई कर रही थी, ऑनलाइन क्लासेस। और अभी दोपहर हो गया है, मतलब दोपहर के 1:30 बज गया है और मैं आज बहुत लेट से उठी हूँ। उठी मतलब कि सुबह एक बार मैं 7 बजे उठकर खाना बनाकर आलू भाजा बनाकर खाई, उसके बाद फिर मैं सो गई, फिर मैं डायरेक्टली 11 बजे उठी, और 11 बजे उठकर मैंने मोबाइल चलाया 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 चलाया, और अभी नहाकर 1:30 बजे नहाकर आई हूँ। अभी लंच करूंगी मैं, और पता नहीं आज का मौसम क्या कर रहा है, बारिश भी हो रहा है, धूप भी निकल रहा है, मतलब इतना भी धूप नहीं निकला है और इतना भी बारिश नहीं हुआ है, मतलब 2 मिनट बारिश हो रहा है उसके बाद रुक रहा है, उसके बाद 2 मिनट धूप निकल रहा है, उसके बाद फिर बारिश हो रहा है, फिर धूप निकल रहा है। लेकिन जो भी है, ठंड है आज का दिन, मस्त लग रहा है, नहीं तो कुछ दिन ऐसे होते क्या बोलूं मैं, गर्मी की वजह से सोया भी नहीं जा रहा है रात को। और मेरा मुंह का देखो आंवला अभी भी नहीं भाग रहा है, मतलब आ करने में भी प्रॉब्लम हो रही, खाना अच्छे से नहीं खा पा रही आ करके, और क्योंकि मैं तो आ करके खाती थी ना, रात को सी हूँ। तो चलिए अभी खाना खाते हैं, देखते हैं क्या क्या बनाया है आंटी ने। इधर है आलू सोयाबीन की सब्जी, और इधर है आमखोरा चटनी। गाइस, मैंने अपना लंच ले लिया, इधर चावल, आलू सोयाबीन की सब्जी और आमखोरा चटनी और नमक। तो मैं खाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान दो, सारे जमाना को भूल जाओ। तो चले खाते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मार्केट पर, क्योंकि काकी को कुछ सामान लेना है। काकी हाय बोल दो, काकी। तो एक्चुअली काकी को कुछ सामान लेना है, क्या लेना है मेरे को भी नहीं पता, तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेगा अभी काकी। और आज मौसम थोड़ा ठंडा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है आसपास से, और मेरे को पता नहीं, मेरा यूट्यूब कुछ दिनों से रिस डाउन जा रही है। मेरे को लगता है कि मतलब कोई अगर आपका सजेशन देने वाला होता कि ये ऐसा करो तो अच्छा होगा तो अच्छा होता मेरे लिए, लेकिन कोई भी नहीं, कोई सजेशन नहीं देता है, बल्कि पीछे पीछे सब लोग बुराई करते हैं, है ना आंटी, है कि नहीं बोलो। yes, मस्त लग रहा है। खैर गाइस, लोगों की बात छोड़ो, लोगों का मुंह है बोलता ही रहेगा, क्या ही कर सकते हैं, हम तो नहीं रोक सकते ना। लेकिन यार आप लोग मेरे को कमेंट करके सजेशन करो कि कैसा वीडियो बनाना चाहिए, कैसा नहीं बनाना चाहिए। अभी पता चल गया, काकी सुपारी लेने के लिए आया।
ये है आपका इम्पोर्टेंट चीज। मतलब कितनी बार बोलूं, हजार बार से भी ज्यादा हो जाएगा। आंटी का फेवरेट है सुपारी, पान सुपारी, मीठा पत्ता और सुपारी। अगर कोई गिफ्ट करना चाहते हो आंटी को कुछ, तो मीठा पत्ता और सुपारी गिफ्ट करो। यू कैन सी गाइस, इधर लिखा हुआ है आयला बारोबिशा, जो कि उल्टा दिखाई दे रहा है, उस साइड से ज्यादा तो सीधा दिखाई देता। और मौसम मस्त है, नजारा मस्त है। एक्चुअली मैं बोल रही थी कि मेरा यूट्यूब का रीच ना कुछ दिनों से डाउन चल रहा है। तो एक्चुअली हमारे इधर मतलब गांव से क्या, मेरे जो जान पहचान के लोग थे, मैंने मतलब स्टार्ट किया यूट्यूब। मतलब कोई नहीं है कि जो सजेशन दे, ऐसा वीडियो बनाओ, ऐसा वीडियो बनाओ, ऐसा वीडियो बनाओ, कोई सजेशन देने वाला नहीं है। इसलिए मेरे को अभी भी नहीं पता, एक साल हो गया, लेकिन फिर भी कोई भी यूट्यूबर से मेरा जान पहचान नहीं है कि मेरे को कोई सजेस्ट करे, मतलब जो इन ब्लॉग वीडियो बनाने में या यूट्यूब वीडियो बनाने में मतलब प्रोफेशनल है मुझसे ज्यादा, मेरे को सजेस्ट करने के लिए। इसलिए मेरे को यूट्यूब का कुछ भी नहीं पता है, बस मैं वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, डाल देती हूँ। कभी कभार व्यूज आ जाते हैं, कभी कभार व्यूज नहीं आ जाते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि अगर आसपास मेरे आसपास कोई मेरे को सजेशन देने वाला होता तो बहुत अच्छा होता। और आप लोग मेरे को कमेंट करके सजेस्ट भी नहीं करते कि कैसा वीडियो बनाना है, कैसा नहीं वीडियो बनाना है, तो यही बोलना था मेरे को। तो खैर ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। और आप लोग मेरे को कमेंट पे सजेस्ट करो गाइस, कैसा वीडियो देखना आप लोगों को अच्छा लगता है, ताकि मेरे को भी तो मतलब पता चले ना मेरा ऑडियंस कैसा है, मेरा गाइस कैसा है। तो खैर टाटा।